क्योंकि कोई स्पर्श सागर में, कोई रस सागर में डूब जाते हैं। इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के सागर है और इन अनेक प्रकारों की सागर में डूबने की पूरी पूरी संभावनाएं है कि हमें वो डूबोते हैं। परंतु डूबने वाले को यह समय नहीं रहता, या तो यह होश डूबने वाले को नहीं रहता कि ये जो सभी सागर है ना जिसमें हम डूबकी लगा रहे हैं उसमें हलाहल विष भरा हुआ है। देखो हम संसार में डूबकी लगाते हैं, विष भरा हुआ है। मैंने अगर आपसे पूछा आप संसार में रह रहे हो आप सभी खुश हो, बताइए कोई है जिसको इतना सा भी दुख नहीं है? सबको दुख है। क्यों? संसार सागर ही दुख को निर्माण करता है। ये सागर में डूबकी लगाओगे तो परिणाम दुख ही मिलेगा। जैसे जो विषय रस है, जो अलग अलग रस कहे गए, स्पर्श सागर कहा गया, तो ये अलग अलग सागर में अगर हम विषय रूपी सागर में डूबकी लगाते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हमें विष ही मिलता है। और गोपिया कहती है अमृत का सागर तो एकमात्र भगवत चरण सरोवर ही है। जो अमृत सागर है, हम बाकी ये विषय सागर, देखो आप संसार को याद करो चेहरा ऐसे बन जाता है, फोटोग्राफर को बोलना पड़ता है स्माइल प्लीज स्माइल प्लीज स्माइल प्लीज, उसका गला खराब हो जाए, स्माइल आती ही नहीं है क्योंकि स्मरण संसार का हो रहा है। इसलिए जब कभी फोटो निकालने जाते हो फोटो, तो कृष्ण को याद करिएगा, किसी को कहने की, फोटोग्राफर को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्माइल प्लीज। जैसे बुद्धि में स्मरण चलता है हमारे चेहरे पर वैसा भाव उमटता है। संसार को याद करोगे तो मैंने उधार बेचा ऐसा चेहरा बन जाएगा। और संसार बनाने वाले को याद करोगे तो प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए अमृत सागर तो एकमात्र भगवत चरण सरोवर ही है। भगवत के चरण ही अमृत सागर है, भगवान अमृत के सागर है, उसमें हम डूबकी लगाए, न कि विषयों में, विषय रूपी सागर में डूबकी लगाए। और जैसे जिस जगह डूबकी लगाओगे वैसे अनुभूति मिलेगी, ये भगवान यहाँ पर संदेश हम सबको देना चाहते थे। शायद इसीलिए उन्होंने वो कालिया नाग वाली लीला अपने चरित्र में भगवान ने की है। शायद ये संदेश भगवान हम सबको देना चाहते थे। गोपिया भगवान को विनती करती है, गोपिया भगवान को प्रार्थना करती है कि हे नाथ, अब हमारी इंद्रिया विषय रस को नहीं चाहती है, अब हमें विषय रस में डूब की लगानी नहीं है, अब हमारी इंद्रिया विषय रस को नहीं पाना चाहती। हे कृष्ण, विषय सागर में डूबी हुई हमारी जो इंद्रिया है अब मधुर कृष्ण रूपी सागर में डूब चुकी है। ये जो कृष्ण रूपी सागर है हमारी इंद्रिया उसमें डूब चुकी है, अब हमें विषय रूपी सागर नहीं चाहिए, हमें तो जो कृष्ण रूपी सागर है उसमें हमने डूबकी लगानी है, उसमें हम डूब चुके हैं, अब उसके अलावा हमें कोई काम नहीं है। और गोपियों का बहुत सुंदर भाव है, तुझे देखना इबादत
तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी। देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। दर पे सिजदा करना, तुझे याद करके रोना। दर पे सिजदा करना, तेरे दर पे सिजदा करना, तुझे याद करके रोना। यही है मेरी पूजा, यही है मेरी मेरी बंदगी, यही है पूजा, यही है मेरी यही मेरी बंदगी है। तुझे देखना इबादत, तेरी याद बंदगी है। मेरा खाली पड़ा दामन, मेरा खाली मेला दामन, तेरे आगे क्यों ना फैले। मेरा खाली मेला दामन, तेरे आगे क्यों ना फैले। मेरा खाली मेला दामन, तेरे आगे क्यों ना फैले। जहाँ है तू मालिक, ये जहाँ है तेरे दर पे क्या कमी है। तू मालिक, ये जहाँ है तेरे दर पे क्या कमी है। तुझे देख
तेरा प्यार अब तक जो हो न सका हासिल, मुझे तेरा प्यार अब तक जो हो न सका हासिल, मुझे तेरा प्यार अब तक जो हो न सका हासिल, मुझे तेरा प्यार अब तक जो हो न सका हासिल। समझाऊं मैं यकीनन, समझाऊं मैं यकीनन, मुझ में ही कुछ कमी है। समझाऊं मैं यकीनन, मुझ में ही कुछ कमी है। तुझे देखना प्रार्थना है मोहन, कुछ कर दो ऐसी रहे मत। मेरी प्रार्थना है मोहन, कुछ ऐसी कर दो रहे मत। मेरी प्रार्थना है मोहन, कुछ ऐसी कर दो रहे मत। मेरी प्रार्थना है मोहन, जगह पाऊ चरणों में जगह पाऊ, फिर मुझको क्या कमी है। चरणों में जगह पाऊ फिर मुझको क्या कमी है, तेरी याद में तेरी याद बंदगी है। प्यारे प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, प्यारे प्यार तेरा महफिल में खींच लाया, प्यारे प्यार तेरा महफिल में खींच लाया। सर झुकाऊ तेरे दर पे सर झुकाऊ, फिर मुझको क्या कमी है। तेरे दर पे सर झुकाऊ फिर मुझको क्या कमी है, तुझे देखना याद बंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। तुझे कैसे भूल जाऊं, तू तो मेरी जिंदगी है। देखना इबादत तेरी याद बंदगी है, तुझे देखना।
राधे गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे 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 गोपाल राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे तुझे देखना इबादत तेरी याद बंदगी है तुझे कैसे भूल जाऊं हे श्याम प्यारे तू तो मेरी जिंदगी है गोपियों का भाव है कि तुझे देखना इबादत है और तेरी याद हमारी बंदगी है हम तुझे नहीं भूल सकते कृष्ण तुझे भूल जाने का मतलब है हमने अपने आप को भूल जाना क्योंकि आप ही तो हमारे सर्वस्व है आप ही तो हमारा जीवन है इसलिए गोपियां हमेशा भगवान को एक प्रार्थना करती थी राधा रानी भगवान को हमेशा एक प्रार्थना करती थी मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे यार सावरे मुझे अपने ही रंग में रंग ले दिलदार सावरे मेरे यार सावरे दिलदार सावरे मेरे यार सावरे दिलदार सावरे
मुझे अपने ही रंग में रंग ले, दिलदार सा रे, ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक, ऐसा रंग ऐसा रंग ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया, मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना के देखो, मुझे अपना बना के देखो, एक बार सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले, दिलदार सावरे। हे शाम मुझे अपने ही रंग में रंग दे, और कि ऐसा रंग दे उतरे ना जन्म जन्म तक, कि वो रंग उतरे ही ना, ऐसा मुझे अपने रंग में रंग दे। गोपिया कहती है हमें इस दुनिया के रंग में रंग रलियों में मजा नहीं आती, हमें तो भगवान हे श्याम सुंदर आपके रंग में जब हम रंग जाते हैं ना कृष्ण, तब हमें आनंद मिलता है। इसलिए श्याम सुंदर को प्रार्थना करती है गोपिया कि हमें अपने रंग में रंग दे। बहुत बढ़िया गोपियों का भाव है, और गोपिया भगवान को प्रार्थना कर रही है कि हे श्याम सुंदर आप हमें विषय मुक्त करा दे, हमारी इंद्रिया विषय रस में डूबे ही नहीं, हमें तैरना सिखा दे। इसलिए मैं वापस आपको याद करा दूं, गोपिया ये कहना चाहती है जैसे कालिया नाग को आपने वश किया, हे कृष्ण हमारे इंद्रियों को भी इसी तरह वश कर लो। इंद्रिय ध्यास कहते हैं ना, उसे शांत कर दो, हमारी इंद्रियों को शांत कर दो। आपने उस जल को विष मुक्त किया और जल को उपयोगी बनाया। आवाज पहले जैसी करो, ठीक। आपने जल को विष मुक्त, पहले वो जल कोई पीते नहीं थे क्योंकि विष था, अब भगवान ने विष मुक्त कर दिया तो सब उसको पी रहे हैं, प्राशन कर रहे हैं, अब वो उपयोगी बना है। इसलिए हे भगवान आप उसी तरह हमें भी विषय मुक्त करो और हमें उपयोगी बनाओ, योग्य बनाओ, पात्र बनाओ, कृष्ण कहने के, कृष्ण में एक होने के, कृष्ण भक्ति के हमें पात्र बनाओ। गोपिया ये भगवान को प्रार्थना कर रही है। गोपिया कहती है कि हे कृष्ण जिस दिन आपने राक्षसों का वध किया था, राक्षसों का वध किया, और जब बड़े बड़े राक्षस वहां पर आए थे, जब जब आक्रमण हुआ तो आपने उनका वध किया था,
हमारी रक्षा की थी, क्या आज हमसे दूर होकर हमारा वध करने के लिए आपने तब हमें बचाया था? तब राक्षसों से हे कृष्ण आपने बचाया, और आज आप ही हमारा वध करना चाहते हो? भगवान, ये कैसा आपका व्यवहार है? गोपिया भगवान को सचेत कर रही है और भगवान को कह रही है कि हे भगवान, अंतःकरण जब दूषित हो जाता है तो दुख का अनुभव होता है, परंतु जब अंतःकरण शुद्ध बन जाता है तो दुख भी सुख रूप बन जाता है। अब हमारा जो अंतःकरण है वो दूषित था, इसलिए हम इस दुख को अनुभव कर रहे हैं। अब भगवान, हम अंतःकरण को शुद्ध बनाना चाहते हैं कि जिससे दुख भी सुख में बदल जाए, और ये आपकी कृपा के बगैर, आपके दर्शन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारे अंतःकरण को शुद्ध बनाने जो आपके दर्शन से होगा, आप जल्दी आइए और हमें दर्शन दीजिए। जब तक आप ब्रज में नहीं पधारे थे हे भगवान श्याम सुंदर, तब तक हम संसार में, संसार सागर में डूबे हुए थे। जब तक आपका प्रागट्य नहीं हुआ हम तो संसार सागर में डूबे हुए थे, लेकिन जब आपका आगमन हुआ तो इस संसार सागर से हम ऊपर उठ गए। इसलिए हे भगवान, आप जल्दी आइए, हम सब को दर्शन दीजिए। अब हमसे रहा नहीं जाता, अब हमसे सहा नहीं जाता, और हमारे जो नयन है बस वो तरस रहे हैं आपके सुंदर स्वरूप को पान करने के लिए, सुंदर स्वरूप का दर्शन करने के लिए। संसार सागर और विषय रूपी सागर की यहाँ पर चर्चा आती है, क्योंकि विष शब्द का प्रयोग आया। गोपिया कालिया मर्दन की कथा सुनाती है, भगवान के उस चरित्र को याद करती है। मेरा ऐसा चिंतन यहाँ पर है कि शायद गोपिया उस विष की नहीं, संसार में भरे विषय रूप की चर्चा करती है और हमें सचेत करती है और हमें संदेश देती है कि हमें भी गोपियों के जैसा भाव हृदय में प्रकट करना है तो हमें अपने अंदर पड़ा जो विष है वो निकालना पड़ेगा विषयों का। जैसे कि हम शुद्ध बने, हम पवित्र बने। भगवान, आपने हमें अनेक संकटों से बचाया, अलग अलग राक्षसों के उस भय से आपने बचाया, और आज आप, तब हमारी तकलीफ को आप दूर कर रहे थे और आज आप ही हमारे तकलीफ का कारण बनते हो। भगवान, क्या आप हमसे नफरत करते हो या प्रेम? अगर प्रेम करते हो तो आज हमें दुख क्यों दे रहे हो, और नफरत करते हो तो तब क्यों बचाया? हम समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हे भगवान हमें तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये संसार की जो बिजली है वो चमक रही है। भगवान, ये बिजली हम पर गिर जाए तो हम जल जाएंगे। भगवान, इससे पहले आप आ जाइए, संसार तो हमें जला देगा, हमें नष्ट कर देगा, और हमें तो उसमें संसार में फंसना नहीं है, हमें तो आप में रस है, आप हमारी इंद्रियों की प्यास हो। अब संसार में हमने बहुत कोशिश कर ली आनंद की प्राप्ति हो, लेकिन संसार हमें आनंद नहीं दे पाया। हे कृष्ण, अब अपेक्षा आपसे है।
हमने अनुभव भी कर लिया कि जब जब आपको याद किया तो आपने ही हमें आनंद की अनुभूति कराई है। हे कृपालु परमात्मा, आप हमें तिरस्कृत न करें, आप हमारा त्याग न करें, आप जो चाहे वो दंड हमें दे दे कृष्ण, हमें मंजूर है। चाहे तू सारा संसार लिख दे, एक मत लिखना प्रभु का बिछड़ना। लिखन वालिए तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय अंदर सदगुरुंदा प्यार, लिख दे एक मत लिखना। जो जो लिखन वाली है, जो लिखने वाले है, वो भगवान जो लिखना है लिख दे, एक मत लिखना। गोपिया कहती है कि हमारे भगवान से हम बिछुड़ जाए और अलग हो जाए। हे भगवान, जो चाहे दंड दे दो, हमें तिरस्कृत न करे। अगर भूल हुई भी होगी हे श्याम सुंदर, हमसे तो दंड दीजिए, जो दंड देना चाहे हमें मंजूर है, लेकिन हमसे दूर मत जाइए, हमारा त्याग न करिए। ये गोपिया प्रार्थना करती है। आप हमारे, आप हमें दृष्टि से, आप हे कृष्ण आपके चरणों से हमें दूर न करिए, आपके चरण ही हमारे जीवन है। अगर आपने ही हमें चरणों से दूर किया तो कहाँ जाएंगे हम। इन गोपियों की हालत कुछ ऐसे बन चुकी है। एक रामायण में भगवान राम के चरित्र की एक बात याद आती है। जब भगवान राम वनवास में लीला कर रहे थे, एक दिन एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठे। वहां पर जब विश्राम करने बैठे तो अब धनुष भी रखना था अच्छी जगह पर, और जो तीर था वो तीर भी रखना था। तो एक मृग वहां पर पहुंचता है और मृग बात समझ लेता है कि भगवान को मेरी जरूरत है। तो मृग कहता है, वो हिरण, वो हरिन कहता है कि भगवान आप चिंता न करें, मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, उस धनुष और तीर को मैं संभालता हूँ। वो मृग खड़ा हो जाता है और भगवान वहाँ अपना धनुष और तीर उसके शरीर पर छोड़ देते हैं, टीका देते हैं और भगवान विश्राम करते हैं। माँ भगवती सीता भी विश्राम कर रही है और महाराज लक्ष्मण कुछ भगवान को प्रसाद की व्यवस्था करने वहां से निकल पड़ते हैं। भगवान विश्राम कर रहे थे, अब उसी समय वो जो तीर भगवान ने ऐसे शरीर पर रखा था उस मृग के, थोड़ा जमीन से फिसल गया। उसका जो नोक था आगे वाला, वो उस मृग के शरीर में घुस जाता है और धीरे धीरे जैसे बहुत ही वो नोक जो है उसकी धार बहुत थी, तो वो तीर शरीर में प्रवेश कर जाता है। उस मृग के जैसे ही तीर प्रवेश करता है उस मृग के शरीर में, मृग के शरीर से खून बहने लग जाता है। बहुत तकलीफ हुई मृग को, बहुत वेदनाएं हो रही है मृग को, लेकिन मृग चिल्लाया नहीं, कोई हरकत नहीं की, क्योंकि मृग के मन में था मैं अब थोड़ी आवाज करूं तो मेरे भगवान की नींद टूट जाएगी, मेरे भगवान को विश्राम की जरूरत है। जब खून की वो धारा बह रही थी, वो खून की धारा बहते बहते भगवान के चरणों तक वो खून की धारा पहुंचती है। भगवान के चरणों को जैसे स्पर्श हुआ, भगवान की आंख खुली,
देखा तो पैरों पे खून लगा था, देखा खून कहाँ से आ रहा है, तो जो मृग खड़ा था मृग के शरीर से तीर घुसने के कारण खून बह रहा है। भगवान एकदम से उठ खड़े हुए, उस तीर को धीरे से मृग के शरीर से निकाला और भगवान उस खून को बंद करते हैं, कुछ औषधि लेकर आते हैं और मृग के ऊपर दवाई लगाते हैं, औषधि लगाते हैं और मृग कहते हैं, हे मृग, इतनी तकलीफ होने के बाद भी आपने मुझे पुकारा क्यों नहीं, आपने मुझे याद क्यों नहीं किया, मृग आपने मुझे पुकारा क्यों नहीं, क्यों इतना दुख और इतनी वेदनाओं को आप सहन करते रहे। तब मृग ने जवाब दिया कि हे भगवान, आज तक जब जब जीवन में दुख आया तो मैंने राम को याद किया, आज तक जब जब जीवन में दुख आया तो मैंने राम को याद किया, लेकिन राम आज तो राम के कारण ही दुख था तो किसे बताए। जब दुख में मैं जिसे याद करता था आज उसी के कारण दुख था तो बताऊ किसे, किसे बताऊ मैं। जब दुख आता था तो राम को बताता था, अब राज आज राम के कारण दुख है तो मैं रावण को कैसे बताऊ। वैसे गोपियों का हुआ है कि जब जब दुख आया तो भगवान आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की और आज आप ही हमारे दुख का कारण बनते हो। कृष्ण ये गलत है, हे कृष्ण हमें आपके चरणों से दूर मत करिए, चाहे जो दंड देना हो, जो जो आपकी मर्जी हो हम वैसे ही करेंगे, लेकिन दूर मत करिए। मुझे प्रसंग याद आता है कि जब नंद बाबा मथुरा से पुनः ब्रज को लौट रहे थे, माँ यशोदा ने कहा था बाबा को कि कान्हा के साथ जाइए और जब कार्य पूरा हो जाए तो मेरे कान्हा को वापस ले आना, इसलिए ही गए थे ना बाबा। तो जब नंद बाबा मथुरा से पुनः ब्रज की ओर लौट रहे थे तब बाबा को विश्वास हो गया था कि अब मेरा कृष्ण वापस ब्रज में नहीं लौटने वाला, अब मेरा कृष्ण वापस ब्रज नहीं आएगा, बाबा को विश्वास हो गया था। तब बाबा समझ गए थे कि अब मेरा श्याम सुंदर लखुटी बांधकर बंसी लेकर यमुना के किनारे अब घूमने वाला नहीं है, बाबा को विश्वास हो गया था कि अब मेरा कृष्ण अब वापस ब्रज में नहीं आएगा, बाबा को विश्वास हो गया था कि अब वो बंसी की धुन मेरे ब्रज में अब मुझे सुनाई नहीं देगी और लकुटी बांध कर मेरा कृष्ण जो ब्रज में घूमता था और मेरे कृष्ण के ब्रज में घूमने से जो चैतन्य की अनुभूति, जो आनंद की अनुभूति मेरे ब्रज में होती थी वो आज के बाद नहीं होगी। आज के बाद कृष्ण ब्रज में दिखाई नहीं देगा, बाबा की आंख भर आई, आंख नम हो गई, हृदय भर आया बाबा का, जब मैं वापस जाऊंगा, क्योंकि अब विश्वास हो गया था ना कि कृष्ण वापस नहीं आएगा, तब हृदय इसलिए भराया कि अब मैं वापस जाऊंगा जब यशोदा से मुलाकात होगी। तो यशोदा मुझे पूछेगी कान्हा कहाँ है, कृष्ण कहाँ है,
मुझे यशोदा पूछेगी, मैं क्या जवाब दूं, कौन सा मुंह लेकर मैं वापस जाऊं, और जब मैं कहूंगा कि यशोदा कान्हा वापस नहीं आया, तो यशोदा के हृदय की हालत क्या होगी? जो यशोदा एक पल के लिए भी अपने कृष्ण को नहीं भूल सकती, वो ये कैसे सुन सकती है कि उसका कृष्ण आज के बाद ब्रज में नहीं आ सकता, वापस नहीं आएगा, ब्रज में वो कृष्ण दिखाई नहीं देगा, वो बांसुरी की धुन अब नहीं सुनाई देगी ब्रज में? क्या हालत होगी माँ यशोदा की? ये सोचकर बाबा नंद का हृदय भर आता है कि अब मेरा कृष्ण वृंदावन में अब घूमते नहीं दिखाई देगा। ऐसा निश्चयात्मक विचार आते ही, इसको समझते ही बाबा के, नंद बाबा के नेत्रों से अश्रु प्रवाहमान हो जाते हैं। वे आंसू श्री कृष्ण के चरणों में चिपक गए और श्री कृष्ण के चरण भी भीग जाते। बाबा वापस जा रहे थे, जब पता चला कि अब कृष्ण नहीं आएगा, आंसुओं की धाराएं बह रही थी और वो आंसुओं से भगवान कृष्ण के चरण भी भीग जाते हैं। कृष्ण समझ रहे थे, बाबा को समझा भी रहे थे, बाबा को सहन नहीं हो रहा था और बाबा कहते हैं, डारी दियो न कमल करते गिरी पची मरते ब्रजवासी। बस बाबा रोते रोते एक बात कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण, हे लाला, उस दिन तुमने अपने कमल के समान कोमल कर से यदि गोवर्धन हमारे मस्तक पर गिरा दिया होता तो हम सब ब्रजवासी उसी दिन मर गए होते। बाबा कह रहे हैं, हे कृष्ण, उस दिन आपने जो गोवर्धन उठाया था और हमें बचाया था, हे कृष्ण, उस पर्वत को, उस गिरिवर को अगर उसी दिन आप छोड़ देते तो सब ब्रजवासी उसी दिन मर जाते। कृष्ण, आज भी तो मरना था। जब सबको पता चलेगा कि कृष्ण वापस नहीं आए, कान्हा वापस नहीं आया, तो अभी तो वो मर ही जाएंगे कृष्ण, तो तब ही मार देते, तब क्यों बचाया? जब मारना ही था तो बचाया ही क्यों? क्यों हमें आप बचाया? नंद बाबा भगवान कृष्ण को कह रहे हैं, कृष्ण, तब ही मार देते, उसी दिन हम मुसलधार वृष्टि में डूब मर जाते, मर जाने दिया होता। हे श्याम सुंदर, उस दिन तुमने ही उस संकट से हमें बचाया था, उस इंद्र के क्रोध से, इंद्र के कोप से, उस अग्नि से हमें बचाया था कृष्ण, और आज हम आपके बगैर अगर ब्रज में जाएंगे तो क्या हालत होगी ब्रजवासियों की? बाबा तो कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपके न आने से आज मृत्यु से भी बढ़कर पीड़ा हो रही है। बाबा कहते हैं कि आपका वापस न आना, हे कृष्ण, ये मृत्यु से बढ़कर पीड़ा है, मृत्यु से भी ज्यादा दुखदाई है, मार दो कृष्ण हमें, क्योंकि ये पीड़ा हमसे सहे नहीं जाती, ये मृत्यु से भी बढ़कर है आपका वृंदावन में न आना।
बाबा ने बहुत विनती की, लेकिन कृष्ण वापस गोकुल नहीं लौटते। और जब माँ यशोदा को वृंदावन वासियों को बात पता चलती है कि कान्हा वापस नहीं आए, उस दिन से इतनी आंसुओं की धाराएं ब्रज में बही है। भगवान के इस प्रेम में, भगवान के विरह में, उस अग्नि से तो भगवान कृष्ण इनको बचाते हैं, इंद्र के कोप से बचाते हैं, लेकिन आज ये गोपियां विरह अग्नि में जल रही है। जिसने अग्नि से बचाया था, आज वही अग्नि से इनको जला रहे हैं। आज उस विरह में गोपियां जल रही है। जब पता चला कि वापस नहीं आए तो नदियां बहने लगी, अश्रु की, आंसुओं की धाराओं की नदियां बह रही है। आपने कथा भी सुनी है कि जब महाराज उद्धव गोकुल में प्रवेश करते हैं, घर का पता पूछते हैं, तो एक गोपी ने कहा था कि ये जो नदी बह रही है, इस नदी का उगम जहां से है, जहां से शुरू होती है, वो नंद बाबा का घर है। वहां से आंसुओं की ये नदी बह रही है। इतने आंसू भगवान के प्रेम में गोकुल में बहे हैं, ब्रज में बहे हैं, क्यों ना बहते, मेरे भगवान ने प्रेम भी इतना दिया था। ये भगवान के बगैर रहना इनके लिए मुश्किल था। भगवान को सारा गोकुल याद कर रहे हैं। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेगा वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेगा वो बाके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, बना कर के अपना हृदय प्रेम मंदिर, अपने हृदय को ही अब प्रेम मंदिर बनाएंगे, और अपने हृदय में ही अपने श्याम को बिठाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। बस हम अब कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे और ब्रज में हम गुजारा करेंगे, अपने श्याम को याद करते करते हम गुजारा करेंगे। ये गोपियां भगवान को इतना समर्पित है, भगवान के बगैर ये अपने आप को रख नहीं सकती, भगवान के बगैर जीना इनके लिए मुश्किल है, इतने ये समर्पित है भगवान को। ये 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 होती है भक्ति, ये है त्याग। इन्होंने हृदय से भगवान को चाहा है, भगवान को प्रेम किया है, इनकी भक्ति में त्याग है, इनकी भक्ति में अपेक्षा नहीं है, कोई कामनाएं नहीं है। इन्होंने कृष्ण के लिए दिया सब कुछ है, लेकिन गोपियों ने एक कामना नहीं रखी, इसीलिए गोपियां सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति रूपा है, भक्ति की आराध्या ये गोपियां है, ये भक्ति की आराध्या है, भक्ति का सूत्र गोपियां है, भाव का सूत्र गोपियां है, त्याग का सूत्र, त्याग का उदाहरण ये गोपियां है, समर्पण का उदाहरण ये गोपियां है। ये होता है प्रेम, ये होता है प्यार, गोपियों के चरित्र हमें चरित्र से सीखने मिलता है। जब
क्रूर जी रथ को लेकर जा रहे थे तो गोपियां लेट जाती है रथ के सामने कि अब जीने का मतलब ही क्या है कि जीवन से कृष्ण निकल जा रहे हैं, अब जीकर करेंगे भी क्या, अब कौन आनंद है इस जीवन में जो कृष्ण निकल जाए, क्योंकि ये कृष्ण को ही जीवन समझते थे। कृष्ण है तो जीवन है और कृष्ण नहीं है तो मृत्यु है, इतना ये कृष्ण प्रिय है, इतना हृदय से इन्होंने भगवान को चाहा है, इतना भगवान को ये गोपियां भगवान को समर्पित है। इसीलिए संत महात्मा भी इन गोपियों का वर्णन करते हैं, इन गोपियों को याद करते हैं और गोपियों के भाव को याद करते हुए अपने हृदय को निर्मल करने की कोशिश करते हैं। हे भगवान, आपने विरहग्नि के रूप में वही अग्नि हमारे भीतर पधरा दिया है। गोपियां कहती है कि आपने वो जो अग्नि है भगवान वो हमारे भीतर पधरा दिया है, हम उस विरह की अग्नि में कृष्ण अदृश्य हो चुके थे, अंतर्धान हो चुके थे, उस अग्नि में हम भगवान जल रहे हैं, इसलिए हम आपको प्रार्थना करते हैं कि आप वेद्य बनकर आ जाओ और हमारी रक्षा करिए, आपका आना ही हमारे लिए औषधि के दवाई के समान है, हमारी बीमारी तो आप हो कृष्ण, हमारा दर्द आप हो। और ये गोपिया भगवान को प्रार्थना करती है, दर्द दिल की दवा दीजिए मेरे प्यारे, दर्द दिल की दवा दीजिए, थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरा दिल आपका घर हुआ, आते जाते रहा कीजिए, दर्द दिल की दवा दीजिए, मेरा हमारा जो दर्द है ना कृष्ण वो आप हो, आपका न मिलना दर्द है, आप मिल जाओ दर्द अपने आप खत्म हो जाता है, भगवान आपके आने से ही ये दर्द मिट सकता है, क्योंकि आपका न आना हमारा दर्द है, हमारा दुख का कारण है, आप आ जाइए, औषधि बनकर आ जाइए, दवाई बनकर आ जाइए और हमारी बीमारी को, हमारे प्रेम रोग को ठीक कर दीजिए, हम आपको चाहते हैं, बीमारी ही हमारी वो है कि आप हमसे नाराज हो और अंतर्धान हो गए हो, हमें दिखाई नहीं देते। इसलिए ये गोपियां इस श्लोक के माध्यम से भगवान को प्रार्थना करती है, हमें विषय मुक्त बना दो, हमें आपके योग्य बना दो, यमुना के जल को आपने उपयोगी बनाया, हमें भी आप विषय मुक्त कर दो, हमें भी योग्य बनाओ। इसमें ये गोपियों का जो जूत है तीसरे नंबर का, वो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमें विकार मुक्त और हमें विषय मुक्त बना दो, हमें पवित्र निर्मल बना दो, ये प्रार्थना करती है भगवान को कि हमें फिर पात्र बना दो। देखिए भगवान, हम अपात्र बने इसलिए तो आप अंतर्धान हो गए, अब आप ही तो हो जो पात्र बना सकते हो, तो आइए हमें पात्र बनाओ, जैसे कि